ब्रेकनंतर आपले स्वागत आहे. सेवेत कायम करून घेण्याच्या मागणीसाठी हजारो महिला कर्मचाऱ्यांनी 24 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी योजना कर्मचाऱ्यांच्या संपानिमित्त चंद्रपूर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर विशाल धरणे आंदोलन केले. आयटकचे राज्य सचिव विनोद झोडगे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. देशातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगार आदी मूलभूत सेवा देणाऱ्या केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधील मानधनावर, कामावर आधारित मोबदला आदी तत्वांवर काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात आशा वर्कर, गटप्रवर्तक कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका मदतनीस, अंगणवाडी आहार पुरवठादार आदींचा या योजना कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश होता. सरकारी योजनांमध्ये तळागाळात मूलभूत सेवा देण्याचं महत्त्वाचं काम करणाऱ्या मनुष्यबळात महिलांची संख्या अधिक असून हे सर्व कर्मचारी सरकारी सेवेत असूनही त्यांना सरकारने त्यांचा दर्जा, किमान वेतन यापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केंद्रीय ट्रेड युनियनच्या वतीने करण्यात आला आहे. तेव्हा त्यांना त्यांचे मूलभूत अधिकार देण्यात यावे यासाठी 24 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संप पुकारला होता. त्या अनुषंगाने चंद्रपूर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर हे विशाल धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये योजना कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. नमस्कार, मी शैला दुर्गे, अंगणवाडी सेविका. आज हमारा देशव्यापी संप है और संप की वजह है कि हमको जो कर्मचारी का दर्जा है वो मिलना चाहिए और हमारे ऊपर जो काम की काम लादे जाते हैं उनका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए और जो भी हमारी समस्याएं हैं और जो भी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए. ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है. कितने सालों से आपकी मांग प्रलंबित है? 30 सालों से. 30 सालों. हमको कर्मचारी का दर्जा चाहिए और हमारा मानधन जो है कम वो बढ़ाना चाहिए या फिर पेंशन देनी चाहिए. हमारा वैसे अभी 21,000 की मांग है और उसका आधा 10,000 हमको पेंशन मिलना चाहिए. देशव्यापी संप है, सब संगठनाएं एक हुई है और एक होकर अपनी मांगों की पूर्तता कर रही है. पूरी सरकार को जाग नहीं आ रहे हैं. जो कर्मचारी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है फिर भी उनका मानधन जितने का उतना ही है, यानी डबल महंगाई बढ़ गई लेकिन मानधन नहीं बढ़ा. इसीलिए सभी कर्मचारियों ने और जो CI2 है, आईटक है, नीटक है, ये सब पूरी जो यूनियन है उन्होंने सब आके संप पुकारा है और ज़्यादातर आंगनवाड़ी की ये मांग है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी जो दर्जा मांग रही है कर्मचारी का, वो अभी जब से ये योजना शुरू हुई है 1975 में तब से मांग रही है लेकिन अभी तक सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की है. और पेंशन का है तो पेंशन भी उनको मिलना चाहिए. जो जितना पेमेंट रहेगा उसका आधा पेंशन मिलना चाहिए. और जो मोबाइल दिया हुआ है वो मोबाइल भी इतना निष्कृष्ट दर्जे का, वो तो कंपनी भी बंद हो गई है और जहाँ वर्कर लोग सुधारने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल कहीं दुरुस्त ही नहीं हो रहा है. हम तो और इतना दबाव डालते हैं कि ऐसा काम करो वैसा काम करो लेकिन वो ऐप तो डाउनलोड हो ही नहीं रहे हैं. इसीलिए ये मोबाइल है तो हम लोग सरकार को वापस दिए हैं अपने अपने प्रकल्प अधिकारी को. तो अधिकारी को कहना है कि तुम लोग वापस लेके जाओ लेकिन हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसमें वो लेके जाएंगे फिर वही प्रॉब्लम आएगा. जो पहले आ रहे हैं वही प्रॉब्लम आएगा. तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हम काम करने के लिए तैयार है, ऐसे नहीं कि हम काम करेंगे नहीं क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाना है सरकार को तो हम भी उनको सहकार्य करेंगे. तो हमारा यही कहना है कि हमको डिजिटल मोबाइल दो जिसमें सब ऐप डाउनलोड हो और योजना कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए. योजना करे पुकार. यहाँ पे जो आंदोलन संप का जो आंदोलन रखा है आंगनवाड़ी सेविकों ने, तो आज का हमारा विषय है कि जो सरकार ने आज ये योजना कर्मचारी है इसको जो सरकार आज यहाँ पे आंदोलन किया है हमने ये देशव्यापी संप एक दिन का. तो यहाँ पे हमारी मांग जो है जो आंगनवाड़ी सेविका और मदद निस को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए. ये मांग हमारी गए 25 साल से ये चालू है लेकिन इसके ऊपर शासन का, सरकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे. दूसरी मांग है हमारा कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब तक हमको कर्मचारी का
कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक किमान वेतन तो भी देना चाहिए। अभी जो 2021 चालू है इसके हिसाब से अभी 21,000 का जो है 21,000 वेतन मिलना चाहिए, किमान वेतन 21,000 मिलना चाहिए। अभी आज का जो संप है ये तो योजना कर्मचारियों का है, योजना में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, विविध योजना में जो कर्मचारी काम करते हैं तो कम काम में कम दाम में ज़्यादा काम, तो हमारी मांग है कि ज़्यादा काम का ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अभी तो ये फिलहाल चालू है हमारे महाराष्ट्र में कि मोबाइल पे जो काम करने के लिए हमको बताया तो मोबाइल दिए हैं, लेकिन मोबाइल में काम महाराष्ट्र में मराठी जो है हमारी मातृभाषा है, वो मोबाइल का काम जो है ऐप मराठी में होना चाहिए, पूरा काम जो है वो मराठी में होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर पहले 35 साल से ये योजना चालू है, 40 साल से, तो पहले से चौथी पास वगैरह आंगनबाड़ी सेवी का काम कर रही है, तो इतना तो चौथी क्लास पढ़ी आंगनबाड़ी सेवी का जिनको ABCD भी पता नहीं है,